मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ पीछा नहीं छोड़ती। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। खुशियाँ चाहे किसी के साथ बांट ले, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें कर दूंगा। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वास। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। गुस्से का सीधा मतलब है कि किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। यह 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, और यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से अगर सोना बनाना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है, और आग में जलना भी पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो वह बढ़ जाता है और दुख हो तो वह बट जाता है। आपके पास जितना भी है उसके लिए
बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्द कई गुना हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगें, और अगर आपका किसी ने दुखाया है तो उन्हें माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी।